तो मैं कुछ झगड़ों से बहुत परेशान रहता था। और एक सुबह तो हद ही हो गई, मैंने स्कूल का बैग उठाया और उसमें कुछ किताब रख ही रहा था कि तभी दोनों ने बहुत जोर जोर से झगड़ना शुरू कर दिया। उनको झगड़ता देख अपना बैग उठाया और मैंने चल दिया। उस समय इतने अच्छे बैग नहीं चला करते थे, यूरिया की बोरी चलती थी, हम उसको काट के सिल लिया करते थे और उसमें किताब रख के हम स्कूल जाया करते थे। तो मैंने वो बैग लिया और स्कूल न जाके सीधा पिपरिया स्टेशन पहुंच गया। उसी समय एक ट्रेन आई जिसका नाम था इटारसी बिना पैसेंजर। 9:30 बजे का वक्त था, मैं उस पैसेंजर में चढ़ गया बिना ये सोचे समझे कि मुझे जाना कहाँ है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था, बस ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन मुझको इटारसी होते हुए भोपाल ले गई। भोपाल स्टेशन पर मैं उतरा, उतरने के बाद मैंने अपने चारों तरफ देखा तो सारे चेहरे अनजान थे और उन अनजान चेहरों से मुझे डर भी लग रहा था। आप कभी किसी अनजान शहर में जाइए और बिल्कुल अनजान लोगों के बीच में खड़े होकर देखिए आपको कैसा महसूस होता है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था उस समय। अगले ही पल मेरा सामना भूख से वो हुआ, क्योंकि अगर हम छोटे होते हैं ना सर तो हमको भूख कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो ऐसे ही मुझे भूख लगने लगी। मैंने बैग में हाथ डाला तो वो उसमें कुछ नहीं मिला। मेरी माँ अक्सर मुझे कपड़े में लपेट के कभी रोटी और कभी पराठे में अचार रख कर वो दे दिया करती थी। मैंने उसको देखा कि वहाँ मुझे कुछ मिला नहीं तो मैं बहुत बहुत जोरों से परेशान होने लगा, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर मुझे याद आया कि दोनों झगड़े में बहुत बिजी थे, इस कारण वो रखना भूल गए। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लोग भोपाल स्टेशन पर पनीर बीन रहे थे, थैले में दाल के पनीर, कुछ ढक्कन, कुछ बोरियों में। तो मैंने कहा ये काम तो ठीक लग रहा है मुझे। फिर मैंने दूसरी ओर देखा कुछ लोग भीख भी मांग रहे थे, लेकिन हमारी माताजी ने हमसे कहा था कि अगर तुम किसी भी मोड़ पे पड़ जाओ कि अकेले रह जाओ तो कोशिश करना कि भीख नहीं मांगना बल्कि कुछ काम करना, काम छोटा हो या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं झटपट दौड़ा और एक बोरा उठाकर लेकर आया और मैंने स्टेशन के वहां से पनीर बीनना शुरू कर दिया। पनीर, खोखे, खाली बोतलें, ढक्कन, डब्बे, मैंने सारे डब्बे इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद भोपाल स्टेशन के बाहर एक प्लेटफॉर्म के बाहर जाने के बाद एक कबाड़ की दुकान थी, मैंने वहां जाके उन सामानों को बेचा। जब मैंने उन सामानों को बेचा तो मुझे वहां से 50 पैसे मिले सर। वो 50 पैसे से पहले तो मैंने कुछ खाया और खाने के बाद अपने आप को मैंने धन्यवाद दिया कि हाँ अब मुझे यकीन हो गया कि मैं अपना पेट पाल सकता हूँ, अपना पेट भर सकता हूँ और मुझे अपने हाथों पर ही पूरा यकीन हो गया कि अब मुझे किसी के सहारे जरूरत नहीं है बल्कि मैं खुद कमा लूंगा। वो 50 पैसे मेरी जिंदगी की पहली कमाई थी और वो 50 पैसे आज मेरे लिए 50 लाख रुपए के बराबर है। उसके बाद आप तो जानते हैं कि हर चीज का एक प्रमोशन होता है। 9वीं क्लास के बाद हम 10वीं पहुंचते हैं, क्लर्क से हम मैनेजर लेवल पे जाते हैं, तो हमारा भी कुछ प्रमोशन होने वाला था। मैंने देखा कि सर आपको याद होगा आज से 20 से 25 साल पहले बच्चे लोग ट्रेनों में झाड़ू लगाया करते थे। अब तो भारत हमारा बहुत विकसित हो गया है, बहुत डेवलपमेंट हो गया हमारे भारत में। आज से 25 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत तकलीफें हुआ करती थी और बहुत गरीब थे हमारा भारत के लोग, बहुत गरीब थे। खाने को अगर किसी दिन सिर्फ ब्रेड मिल जाती थी तो हम समझते थे अरे आज तुमको ब्रेड का पैकेट मिल गया, बहुत अच्छी की बात। तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे ट्रेन में झाड़ू लगा रहे हैं, तो मैंने कहा, मैंने सोचा कि वो जो काम है पानी बीनने वाला उसमें मुझे बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, रेलवे ट्रैक पर घूमना पड़ता है, तो उसकी जगह एक काम करता हूँ, ये झाड़ू लगाने वाला काम मैं चुन लेता हूँ क्योंकि ये काम
का दायरा थोड़ा कम है, एरिया कम है, और लोग कोई 5 पैसे देता, कोई 10 पैसे दे रहा है, उस समय 20 पैसे भी चला करते थे बीतल के, तो कोई 20 पैसे, कभी खाना, कुछ कपड़े। हमने सोचा ये काम ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इस काम में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ये है कि हमको झाड़ू खरीदनी पड़ेगी। तो हमने उसी समय अपनी जेब में हाथ डाला और सारे पैसों को हमने चिल्लर को गिना, तो हमारे पास 2 रुपये 40 पैसे उस समय हमने जोड़ कर रखे थे। हम भारतीय हैं, जोड़ने में हम सबसे आगे हैं, या यूँ कहें कि जो एक एक पैसे का मैं हिसाब रखता था, हुआ मेरा जुनून, आज मैं CA बना के छोड़ा। ऐसा मुझे खुद को फील होता है कि मैं इतना हिसाब किताब पर पक्का क्यों था, क्योंकि जब मैं छोटा था तभी से बहुत पैसे बचाता था, 1-1 रुपये बचाया। 1 रुपये बहुत बड़ी बात थी हमारे समय, 5 पैसे 10 पैसे काफ़ी बड़ी चीज़ थी। तो वो जुनून मुझे आज यहाँ ले आया। मैंने कहा, जेब में हाथ डाला, 2 रुपये 40 पैसे निकले, मैं झटपट प्लेटफॉर्म के बाहर गया, एक किराने की दुकान ढूंढी और वहाँ से मैंने झाड़ू खरीदी, जो कि 1 रुपये 70 पैसे की आई सर। उस समय झाड़ूआँ जो थी ताड़ की चलती थी, बड़ी बड़ी लंबी टाइप की, ये फूल झाड़ू वगैरह ऐसी नहीं चला करती थी, लंबी लंबी झाड़ू चलती थी। तो मैंने 1 रुपये 70 पैसे की एक झाड़ू खरीदी और मैंने ट्रेन में बढ़िया झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अच्छे से झाड़ू लगाता तो लोग मुझे, पैसेंजर्स होते थे, कोई 5 पैसे देता, कोई 10 पैसे, और इस तरह मेरा बहुत अच्छे दिन गुजरने लगे। ये काम पिछले काम की तुलना में मुझे ज़्यादा बेहतर लगने लगा और इसमें इनकम भी मेरी बढ़ गई, क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा था कि कभी भी मेहनत से नहीं घबराना, कोई भी काम करना चलेगा। उसके बाद आपने देखते हैं कि जैसे स्टूडेंट एसोसिएशन होती है, ठीक है ना सर, मेंबर एसोसिएशन होती है, हर चीज़ के कर्टेल होता है, एक सिंडिकेट होता है, एक समूह होता है। तो जो झाड़ू लगाने वाली गैंग होती, एक गैंग भी थी वहाँ पर जो कि वह एग्जिस्ट करती थी, उनका काम था कि किस लड़के को किस ट्रेन में भेजना है और वहाँ से जो कलेक्शन आएगा उसमें उनका हिस्सा कितना होगा। एक दिन हमारा सामना उस झाड़ू वाले गैंग के सरदार से हो गया और उसने हमें अपनी तरफ खींचा ऐसे करके और बुलाया कि ए लड़के, मैंने सुना है कि तुम हमारे इलाके में बहुत दिनों से झाड़ू लगा रहे हो। मैंने कहा हाँ, वो तो मैं करता हूँ, और मैंने कहा खाने के लिए मेहनत करना कौन सी बुरी बात है, हमको मेहनत करना चाहिए, मैं मेहनत ही तो कर रहा हूँ। कहले नहीं, अगर आपको यहाँ पर काम करना है तो हमारा एक नियम है कि आपको जो भी कमाई होगी उसका 50% आपको हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमको ये बताया था कि हर गलत चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करना बल्कि उसका विरोध करना। तो हमने उनका विरोध किया। जब हमने उनका विरोध किया तो उन्होंने हमें बहुत मारा, इतना मारा कि हमारे शरीर के सारे कपड़े फाड़ दिए और हम प्लेटफॉर्म पर ही पड़े रहे करीब 15-20 मिनट तक। जब हम 15-20 मिनट वहाँ पड़े रहे, हमें उठाने भी कोई नहीं आया। ध्यान रखिएगा, जीवन में जब हम नीचे गिरते हैं ना, हमें उठाने वाला कोई भी नहीं होता है, केवल हमारा विल पावर, हमारा इरादा ही हमें ऊपर उठाता है। 20-25 मिनट बाद मैं अपने आप उठा। उठने के बाद मेरे कपड़े जो फटे हुए थे शरीर के, मैंने उन कपड़ों को जगह जगह गठान बांध के उनको जोड़ा आपस में, मेरे पैंट को जोड़ा, और मैं खड़ा होने के बाद देखा जेब से हाथ, उन्होंने पैसे भी सारे ले लिए। फिर मैं भोपाल स्टेशन से हबीबगंज स्टेशन आ गया और अमृतसर जो एक्सप्रेस चलती है, पंजाब में जिसको बोलते हैं सर, 5:30 बजे हबीबगंज से मैं उसमें चढ़ गया, मुंबई के लिए रवाना हो गया। जब ट्रेन इगतपुरी पहुंची, मुंबई से पहले इगतपुरी स्टेशन आता है, जब ट्रेन इगतपुरी पहुंची और वो जहां बाथरूम्स होते हैं ना सर, उसके बीच में जो स्पेस होता है, मैं उस स्पेस में वहीं पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था। मैंने बहुत दिनों से नहाया भी नहीं था, खाना भी नहीं खाया था और कपड़े सारे फटे हुए थे, मैं वहीं से पड़ा हुआ था। उस समय एक व्यक्ति मेरे पास आया और मेरे सर पे हाथ रख के बोलते हैं कि बेटा तुम्हें कहाँ जाना है और क्या नाम है तुम्हारा। मैंने कहा सर, नाम मुकेश राजपूत है और कहाँ जाना है ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ काम मिल जाए
रहने को जगह मिल जाए, खाने को मिल जाए, बस यही मेरे लिए बहुत है। उनको मेरे ऊपर बहुत दया आई और उन्होंने मुझे कुछ थोड़ा बहुत खाना खाने को दिया। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मेरी माँ अक्सर कहती थी कि तुम किसी अनजान शहर में जाओ ना और अनजान लोगों के बीच में कहीं फंस जाओ तो उनका दिया हुआ कुछ भी मत खाना, पता नहीं उसमें कुछ मिला हो और तुम्हें हाथ पांव काट दें, भीख मांगने लग जाए। तो मुझे बड़ा डर लगने लगा। लेकिन इंसान की परख मुझे बहुत छोटी उम्र से हो गई थी, मैं इंसान को देख के उसके बारे में पूरा बता देता था। तो मुझे वो व्यक्ति मुझे कुछ भले प्रकार के लगे, क्योंकि नहीं ये ठीक लग रहा है। तो मैंने भूख लगी थी तो वो खाना मैंने खा लिया। खाना खाने के बाद वो व्यक्ति मुझे कल्याण ले गए, मुंबई से पहले पड़ता है स्टेशन कल्याण। कल्याण पहुंचने के बाद उन्होंने एक कबाड़ की दुकान थी जहाँ पर मुझे काम पर लगा दिया। वो व्यक्ति, वो परम आदरणीय व्यक्ति उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, इसलिए जब भी मुझे उत्तर प्रदेश से बुलाव आता है मैं सारे काम छोड़कर यूपी जरूर जाता हूँ। बहुत ही गहरा संबंध रहा है वहाँ से, उस राज्य से बड़ा ही लगाव रहा है। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने वो कबाड़ का काम छोड़कर, गुप्ता जी की होटल है बोलसवाड़ी में, मैंने वहाँ पर नौकरी करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब हम पढ़े लिखे नहीं होते ना सर, तो हमारी जगह एक ही होती है, वो होटल। होटल का काम बुरा नहीं था, काम बहुत अच्छा था, बस वहाँ पर शारीरिक, मानसिक और अश्लीलता का सामना बहुत करना पड़ता है। मुझे पता है, मैंने होटलों में काम किया है, मैंने देखा है बच्चों के बीच, उन्हीं बच्चों के लिए भी जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। जब मैं होटल में काम करता, वो होटल वाले से मैं बाद में मिलने गया, जब मैं सीए बन गया था, उनकी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, वो काफ़ी देर परेशान रहे, तुम सीए कैसे बन गए, कहले मेरा दामाद भी सीए, उसको बड़ी परेशानी हुई थी। तो वो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा उनसे मिलने के आने के बाद। तो कभी कभी मैं चाय लेकर कैनरा बैंक जाया करता था, जस्ट कोलसवाड़ी में ही सामने ब्रांच थी कैनरा बैंक की, उसकी उन बैंक से मिलकर आया हूँ, मैनेजर से मिलकर आया हूँ, उनकी फोटो दिखाऊंगा। तो मैं कैनरा बैंक जाया करता कभी कभी चाय लेकर, तो वहाँ पर मैनेजर को देखता, मैडमों को देखता कि किस प्रकार कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, मैनेजर बड़े केबिन बैठे। तो मन में इच्छा जागती कि काश ऐसा कुछ हो कि मैं भी इस महान ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा बन सकूं, ऐसा क्या करूं, दिल में एक सपना लिए रहता। कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी यही कहा है कि इससे पहले कि आपके सपने सच में, आपको सपने देखने होंगे। तो मेरा मानना है कि आप सब सपने देखना शुरू कर दें। यदि आप बहुत अच्छे घर से हैं, बहुत अच्छी फैमिली से हैं, तो डरिए मत, क्योंकि घर वालों ने आपके लिए पहला माला तैयार किया है, सेकेंड थर्ड आपको करना है, ठीक है ना सर। जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए प्लॉट भी खरीदना है और मकान ही बनाना है, जिनके पास मकान है उनको आगे की फ्लोर बनाने की तैयारी करनी चाहिए। तो ऐसे ही सपने देखना आप भी शुरू करिए। तो उसी होटल में एक सुबह की बात थी, तकरीबन 8:30 बज रहे थे, एक आवाज आती है कि ए लड़के इधर आ। तो मैं ऐसे उसके पास पहुंचा, मैंने जी सर बोले, जा मेरे लिए दो पाव और एक उसल लेकर आ। तो मैं दो पाव और उसल लेकर आया और ऐसे उनकी टेबल पे मैंने ऐसे रखा। जैसे ही मैंने टेबल पर रखा और उनकी व्यक्ति की नज़र, उनकी नज़र मेरे हाथों पर पड़ी, मेरे पैरों पर पड़ी, तो वो कहते हैं, अरे तुम्हारे हाथ तो कई जगह से सड़ गए हैं और तुम्हारे पैर भी गल रहे हैं, इस तरह तुम काम करोगे तो ऐसा ना तुम्हारे सब गल जाए, हाथ पाँव खराब हो जाएंगे। तो मैंने कहा, सर मैं क्या करूँ, भीख तो मांग नहीं सकते, मेहनत करना पड़ेगा और हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो हमें यही जगह मिलेगी और कहाँ जाएंगे। उसने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, गलत बात है, तुम अपने बारे में कुछ विचार करो। और मैं यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे हाथों से उस समय बहुत स्मेल भी आया करती थी, क्योंकि वो सड़ गए थे। तो हम क्या करते थे, उसमें मेहंदी लगा के, पैरों में उसमें मेहंदी लगा के जख्मों को ठीक किया कर लिया करते थे। तो उसने कहा, एक काम करो, तुम होटल का काम छोड़ दो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पेंटिंग का काम सिखाऊंगा। तो मैंने मन में सोचा, ये तो बहुत अच्छा काम है,
इस कम से कम हुनर तो मिलेगा, इस होटल के काम में तो कुछ हुनर ही नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो पेंटर बाबू अपने साथ मुझे ले गए और मुझे जगह जगह घरों में ले जाया करते, बढ़िया पेंटिंग का काम करता, कभी डिस्टर्ब पर लगाते, ऑयल पेंट पोतते, कभी चूना लगाते, मतलब ये काम बाकी काम से बहुत अच्छा था। इस काम में एक ही समस्या थी, वह यह थी कि कभी कभी आंखों में चूना चला जाया करता था जिससे बहुत तकलीफ होती थी, बाकी काम बहुत अच्छा था। किस्मत को कुछ और मंजूर था तो एक दिन पेंटर बाबू अपने साथ उस दुकान पर ले गए जहाँ पर कि जहाँ से हम लोग पेंटिंग का सामान खरीदते थे। उस दुकान के मालिक थे स्वर्गीय श्री चंद्रबली सिंह राजपूत जी। उन्होंने जब मेरे को बाजू में खड़े हुए पाया पेंटर बाबू के, तो बोलते अरे मुन्ना ये तुम्हारे पास ये लड़का कौन है, ये कौन खड़ा है, बड़ा सुंदर सा बालक है, कौन है ये? हम बहुत सुंदर थे आपको बता दें मतलब बहुत ज्यादा, अब तो पता नहीं है लेकिन बहुत सुंदर थे। कह लगे सुंदर सा बालक कौन है आपके पास जो खड़ा है? कह लगे सर, कह लगे पता नहीं मध्य प्रदेश से आया है और मेरे साथ जुगी में रहता है, मेरा सारा काम करता है, खाना खाता है, बढ़िया रहता है, कभी कभी कपड़े दिला देता हूँ। तो कह लगे एक काम करो, इस लड़के को आप हमें दे दो, दुकान पर काम करने के लिए हमें एक लड़का चाहिए। पेंटर बाबू मान गए और हम पेंटिंग के काम पर न जाकर दुकान पर काम करने लगे। बहुत अच्छा काम करते थे, बड़ी ईमानदारी से काम करते थे हम, क्योंकि हमने जिंदगी में मेहनत करना सीखा था और मेहनत के दम पे हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं। तो उसके बाद एक दिन सेठ जी ने कहा कि मुकेश चलो हम तुम्हें अपने गांव घुमा कर लेकर आते हैं। हमने कहा चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उनका गांव था बहादीपुर, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारी कहानी फिर वहीं पहुंच गई। हम उनके साथ गांव में पहुंचे, उनके पास ढेर सारे जानवर थे, गाय भैंस बैल बकरी छोड़ के बाकी सारी चीज़ें थी। तो हम क्या करते थे सुबह जो हमारी, क्योंकि हम उनको बाबूजी अम्मा जी कहते थे, सेठ जी को बाबूजी और उनकी वाइफ को अम्मा जी कहते थे, तो वो हमें खाना रख दिया करती थी। हम बढ़िया पटरिया बांध के खाना लेके और डंडे लेके चले जाया करते थे, दिन भर जानवरों को चराया करते थे, खेत खलिहान में काम करते थे और शाम को वापस आते थे, ये हमारा काम था। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी सुंदरता पर किसी की नजर थी, हमारी सुंदरता पर किसी की नजर थी। तो उसी गांव में एक बहुत ही पढ़ने लिखने वाली बहुत ही होशियार एक लड़की थी, बहुत ही होशियार, मतलब इतनी अच्छी स्टूडेंट थी, उसका कोई जवाब नहीं था। उसकी नज़र हम पर पड़ी। किसकी नज़र? उसकी नज़र हम पर पड़ी और उसने एक दिन हमको बुलाया, चले ए इधर आओ मुकेश जी। ठीक है, हम बहुत सीधे थे ना, ठीक है तुम इस तरह घूमते रहते हो, खेतों में काम करते हो, दिन भर जानवर चराते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हो, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि तुम्हारा नाम हो, लोग तुम्हें जाने, समाज में लोग तुम्हें पहचाने और जाने। मैंने कहा ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे पहचाने? कहते देखो वो मुझे नहीं मालूम है क्या करना चाहिए, पर कुछ ऐसा करो जिससे लोग तुम्हें जाने और लोग तुम्हें पहचाने। दिमाग में क्या होता है, जब खूबसूरत आदमी किसी को बोलता है ना तो दिमाग में जाता है, तो दिमाग में चला गया और बहुत बुरी तरह चला गया। अब दिमाग में यही सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि लोग मतलब जाने, लोग पहचाने। दिन रात सोचने लगा, करीब सोचते सोचते एक महीना गुजर गया। फिर बाबूजी ने कहा कि मुकेश काफ़ी दिन हो गए अपने को गांव आए हुए, चलो हम वापस मुंबई चलते हैं। तो बाबूजी के साथ मैं वापस मुंबई आ गया और अपनी दुकान पर जाकर बैठने लगा। क्योंकि हमारे बाबूजी बहुत पैसे वाले थे तो उन्होंने एक अलग से दुकान खोल रखी थी, तो उस दुकान में दिन भर में सेल्स करता, परचेज करता, कलेक्शन करके शाम को उनको साथ दिया करता था। पैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा रहते थे, पूरा गल्ला मैं ही संभालता था। तो जब गल्ला मैं संभालता था तो मेरा एक दोस्त था जो वहीं झुग्गी में रहता था, कभी कभी मेरे पास आके बैठ जाया करता था। मैं उसको कभी बड़ा पाव, कभी लस्सी सस्सी कुछ कुछ खिला दिया करता था, तो वो खुश रहता था। तो मैंने उससे कहा
यार दोस्त, इस बार मैं बाबूजी के साथ गांव गया था तो वहां पर एक बहुत स्मार्ट सी स्टूडेंट मिली और उसने कहा है कि तुम्हें ना कुछ पढ़ना, मतलब तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हारा नाम हो, लोग तुम्हें जाने पहचाने। अगर मेरी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या करना चाहिए। वो काफी देर सोचता रहा, सोचने के बाद कहता है, मुकेश अगर सच में तुम्हें अपना नाम कमाना है, तुम्हें समाज में लोग जाने पहचाने, उसका एक ही रास्ता है। मैंने कहा जल्दी बताओ क्या है। कहते अगर पढ़ाई वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर ले जाएगा और तुम्हें तुम्हारे सारे सपने पूरे करेगा। अब ये बात तो दिमाग में आ गई थी कि एजुकेशन ही वो रास्ता है जो मुझे मेरी मंजिल पर ले जाएगा और मेरे सारे सपनों को पूरा करेगा। अगले दिन मैं दौड़ा दौड़ा एक मराठी स्कूल पहुंच गया। अब मराठी स्कूल है मुंबई, तो मराठी स्कूल पहुंच गया और प्रिंसिपल साहब से कहता हूं कि सर मुझे आप एडमिशन दे दीजिए। प्रिंसिपल साहब उनके बहुत गुस्से हुए कि चलो कोई तो बच्चा आया, ये कह रहे मुझे पढ़ना है। चले लाओ जल्दी से कोई कागज निकालो, आपके कहा है। मैंने कहा सर कागज तो नहीं है मेरे पास। तो क्या लगे बिना कागज के तुम एडमिशन नहीं दे सकते। तो मैंने कहा आप चिंता ना करें, मैं आपकी सारी किताब पढ़ दूंगा। उन्होंने कहा अच्छा ये पढ़ के दिखाओ। तो मराठी जो होती है वो हिंदी के जैसी होती है, मतलब उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता। जैसे हिंदी पढ़ना आता है वो मराठी पढ़ सकता है। तो मैंने उसको पढ़ के सुनाया। तो प्रिंसिपल साहब बहुत खुश हुए, नहीं बहुत अच्छी बात। चले अपने माता पिता का नाम, मेरा नाम बताया। कि हमें कुछ भी एक छोटा सा कागज आप दे दो ताकि हमारी गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाए। मैंने कहा सर मेरे पास कोई कागज नहीं है, लेकिन आप मुझे किसी भी क्लास में एडमिशन दे दे। मैंने बहुत मिन्नतें की। उन्होंने कहा देखो गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हम इसमें एडमिशन नहीं दे सकते। अब ये सुनने के बाद मैं थोड़ा निराश हुआ और उसके बाद मैं वापस दुकान पर आ गया। अब मुझे पता चल गया कि मुझे कागज लेने के लिए अपने घर जाना पड़ेगा, अपने गांव जाना पड़ेगा, फिर ये जाना पड़ेगा। मैंने बाबूजी से बोला कि मुझे गांव जाना है। उन्होंने कुछ सामान वामान दे दिया और मैं अपने घर पहुंच गया। जब अपने घर पहुंचा तो अपने माता पिता से मिला, हम अपनी बहन से मिले, भाई से मिले। हमने करीब 8 साल का जो सफ़र था हमारा जिंदगी का, जो 8 साल हमने घर से दूर गुजारे थे, वो करीब 8 घंटे हम दोनों ने बैठ के बहुत सारी हमने आपस में बातें की, सुख दुख की बातें की और बहुत अच्छा लगा। हमें स्टार प्लस ने बुलाया था और वहाँ पर हमारा चेकमेंट भी चल रहा है कि इस पर एक मूवी आएगी जिसमें अमिताभ बच्चन होंगे और सोनाक्षी भी होगी, हो सकता है हम भी उसमें कुछ रहें। तो आप उस चीज़ को वहाँ पर एनालाइज करके देखेंगे कितने अच्छे से वो लोग दिखाते हैं। तो हमने माता पिता से कहा, सब खुश हुए, बहन से बात हुई, हमने कहा हमारे कागज़ हमको दे दीजिए। तो उन्होंने हमें अपने कागज़ दे दिए और हम कागज़ लेकर मुंबई नहीं गए बल्कि हम भोपाल आ गए। भोपाल पहुँचने के बाद हमने लोडिंग ऑटो का ड्राइवर की नौकरी की। देखिए हमने कभी जीवन में ऑटो नहीं चलाया था, लेकिन हमें एक बात का पता था कि शायद लोडिंग ऑटो स्कूटर की जैसा चलता है और पहला गियर डालने में वो चालू हो जाता है, ऐसा हमें आइडिया था। हम जीवन में हमने कभी भी कोई काम नहीं किया, ना ही हम प्रोफेशनल राइटर है और ना ही हम प्रोफेशनल स्पीकर है, लेकिन हमने कहा कि हम सब कर सकते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमारे अंदर वो एनर्जी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे मैं भी कुछ भी कर सकता था। तो मेरा इंटरव्यू लिया लोडिंग ऑटो ड्राइवर वाले स्वर्गीय वाटुबल वासवान जी ने। मैंने कहा सर आप चिंता ना करें, हम आपका ऑटो को बढ़िया चलाएंगे और कहीं ठोकेंगे भी नहीं और ना तोड़ेंगे, आप हम विश्वास करें। चल अच्छा ठीक है चलाओ। तो हमने ऑटो चलाने का काम किया। एक दिन उन्होंने पीएनएल और बैलेंस शीट और कुछ कागज लेकर सीए मनोज खरे जी के पास भेज दिया। सीए मनोज खरे जी भोपाल में हमीदे रोड उनका ऑफिस है और बहुत ही रिनॉल्ड है। हम खरे जी के ऑफिस में पहुंचे, हमने देखा एक व्यक्ति बहुत बड़े केबिन बैठा है, सोने की अंगूठियां पहने, चेन पहने, तो बाहर 10-15 लोग काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा क्या किया है उसने, क्या ऐसा क्या कर लिया, मन में और जिज्ञासा जागी। और मेरा मानना है सभी के अंदर होनी चाहिए। मैंने बाहर कुछ आर्टिकल्स बैठे हुए थे,
मालूम नहीं उस समय कौन था, लेकिन मैंने इनको हिलाया। मैंने कहा भाई साहब कह रहे क्या है? मैंने कहा वो जो सर अंदर बैठे वो कौन है? अरे कह लगे वो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैंने कहा अच्छा सीए बनने कैसे? उसने कहा सीए कोर्स बहुत कठिन है, पिछली बार हमारे ऑफिस से एक भी स्टूडेंट पास नहीं हो पाया है, और ढेर सारी उसने नकारात्मक बातें उसने हमसे कही, लेकिन हमने उसकी हर बात का सकारात्मक लिया। हमने कहा अच्छा इतना कठिन है, लोग पास ही नहीं होते, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, भीड़ कम होगी, मतलब पास नहीं होते। जितना नेगेटिव बातें बोल रहा था बड़ा मजा, हम तो कहते जाइए और नेगेटिव बोलिए, क्योंकि हमारा मानना था कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। ये हमारा सोचना था, हमारा मानना था, और ये भी हमारा मानना था कि सरल जो सरल काम होता है ना वो हर कोई कर लेता है, लेकिन कठिन काम जो होता है ना वेरी फ्यू करते हैं। जब वेरी फ्यू करते हैं तो हमें हम यही करें, और उसी क्षण हम जो सड़क के दरवाजा होता है ऑफिस के बाहर का दरवाजा, हम उस चौखट पर पहुंच गए, और ऐसे जाके सर के चौखट मत्था टेका और स्वयं से वादा किया कि अब सीए बनकर ही हम आपके चरण स्पर्श करने आएंगे। वादा कर लिया, वादा बड़ा भी बहुत था, फिर क्या था, दौड़ना शुरू किया, भागना शुरू किया। पांचवी से डायरेक्ट दसवीं की परीक्षा दी, दसवीं से बारहवीं दिया, दसवीं हम तीन बार फेल हो गए, लेकिन हम निराश नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमारी जो मंजिल थी ना बहुत बड़ी थी, बहुत दूर थी। हमने कहा होने दो, फेल होकर चलेगा। फिर हमने दसवीं पास की, फिर हमने बारहवीं पास की, नौकरी कर रहे थे उस समय, फिर हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में आए, सेकेंड ईयर में आए, फाइनल में आए, और हम सीए की पढ़ाई में कूदे, और वहां पर हमने आईपीसीसी में पहली बार हम छह बार लगातार हमें सफलताएं मिली थी, छह बार, और सातवीं बार में हमने एक क्लास को पास किया था, और तब हमें पता चल गया था कि पास ऐसे होते हैं, क्योंकि ट्रायल एरर चल रहा था, हम ट्यूशन कहीं कर नहीं पाए, पैसे नहीं थे, तो ट्रायल एरर करता था, अच्छा इस बार ऐसा करें, अच्छा इस बार ऐसा करें, अच्छा और ये तो ये से पास होते हैं। तो जैसे हमको टेक्निक मिली और हम पास हुए, और आज आपके सामने हम सीए बनकर खड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।